हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल चस्कर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव। इस वाले ब्लॉग में हम लोग सैर सपाटा जो जगह है भोपाल में उसको एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही अच्छी जगह है, स्पेशली फैमिली के लिए। आपके पास किड्स हैं, डेफिनेटली इस जगह पे वो एंजॉय करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है उन लोगों के लिए। टॉय ट्रेन है, बोटिंग है, हॉर्स राइडिंग है और काफ़ी करने का एरिया है। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बने रहिए चैनल पर, बाकी अपडेट में देता हूँ वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हम लोग आ गए हैं सैर सपाटा, जो वन विहार के बिल्कुल दूसरे गेट पर है। इसका टिकट जो पर पर्सन है वो 30 रुपये है। जो 5 से 12 साल के जो चिल्ड्रन होंगे उनका टिकट 15 रुपये। ये देखिए यहाँ का 360 व्यू। जो बोटिंग के चार्जेज आप देख सकते हैं, पैडल बोट का 50 रुपये में 30 मिनट्स और 1 आवर का 100 रुपीज़। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी आप लोग कर सकते हैं आउटसाइड, जो 100 रुपये चार्ज है हॉर्स राइडिंग का, डिपेंड ऑन बार्गेन आल्सो। यहाँ का आज उतना भीड़ नहीं है क्योंकि ये वीकेंड पे मैं नहीं आया हूँ। हम लोगों ने टिकट ले लिया है 90 रुपीज़ 3 लोगों का। अच्छी जगह लग रही है। अभी क्या है कि वो ही बिस्किट लाओगे तो खरीद लेंगे, अंदर ही रेस्टोरेंट है तो। आपको मज़ा आ रहा है? नबी डॉग्स के साथ काफ़ी खेलती है। जब भी कोई डॉग दिखता है तो मुझे फीड कराना है, अच्छा लगता है देख के। देखिए मौसम मेहरबान है, आज भी बहुत ही प्यारा मौसम है तो इन्जॉय करेंगे। ये जो जगह है भोपाल के अपर लेक के पास है, हार्डली 2-3 किलोमीटर है वहाँ से, तो आप दोनों जगह एक साथ कवर कर सकते हैं। देखिए सैर सपाटा का जो ब्रिज है, इनसाइड जो सिटी की घूमने की बहुत अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं। कुछ एक्टिविटी भी है अगर आपको करना है, बोटिंग, हॉर्स राइडिंग, अंदर रेस्टोरेंट भी है। और ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है। बेडू कहाँ जा रहा है? गो, देखिए नाइस व्यू है, देख काफी प्यारा व्यू लग रहा है। देख सकते हैं ब्रिज, और ये लोकेशन आप यहाँ की देखिए, बीच पे ये बोटिंग। काफी अच्छा है ये व्यू, आप देखिए दोनों तरफ जो टापू और ये पेड़ है, आसपास जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी लग रही है, और बोटिंग भी है यहाँ पे। ब्रिज देखिए आप, एक हाँसू व्यू, और वो एक रोड है जो जाने वाली, जो मेन है इस वाले, तो ये केवल मध्य प्रदेश टूरिज्म का वो है। आप देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे कुछ कुछ बता रहे हैं इसमें, पराठे उन चीजों का अपना मजा है, और रेडियो का है सब। ये देखिए आप देख रहे हैं, वो रहा एक रेस्टोरेंट है लेक व्यू, वहां पे हम सोच रहे हैं खाना खाएंगे। जल्दी देखिए फेटू भी एंजॉय कर रहा है इस ब्रिज पे। आपको आपको ट्रेन में बैठोगे? बेटू को झूला पार्क दिख गए हैं, उन्होंने कहा जा रहा है झूला पार्क। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी प्यारी जगह है।
बेटू को अपना टारगेट दिख गया है। इट्स इंटर द ट्रेन, ट्रेन आ रही, ट्रेन। यू लाइक इट, यू लाइक इट लाइक द ट्रेन। अभी अगर बैठेंगे, अभी इसमें बैठेंगे, ओके। ट्रेन 126 बट ट्रेन इज गोइंग, यू वांट टू सीट इनटू दिस। ये देखिए, यू वांट टू सीट इन दैट, ओके ओके। ट्रेन अभी अभी ट्रैक। ये बच्चों का खेलने का जगह भी है यहाँ पे, और आप भी आराम से बैठ सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छी जगह लगी फैमिली के लिए। अगर आप आ रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, उन लोगों के लिए काफ़ी ऑप्शन है। देखिए देखिए अब व्यू फाउंटेन, यहाँ इस जगह पर मैं आज से करीबन 15 साल पहले आया था। बेटू ट्रेन में बैठेगा। ये देखिए ट्रेन के पास फोटो, काफ़ी अच्छी ट्रेन लग रही है, टॉय ट्रेन। और ये मॉल वाज जैसी ट्रेन नहीं है, ये नेचुरल टाइप की ट्रेन है, और इसमें बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो जो जगह से निकलती है वो पूरा नेचर का है, पेड़ों के बीच से, लेक के बीच से। तो इस जगह में आप भी बैठे इंजॉय करेंगे, बच्चे तो इंजॉय करेंगे ही। देखिए एप्लीकेशन बहुत प्यारी लग रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। मेरा बेटू तो बहुत ही खुश है। बेटू बेटू देखो, लगो लगो लुकिए, कुछ हम लोगों का फोटो सेशन, बस रियली बहुत मजा आ रहा है। करना ला गया भाई, हम लोग खजुराहो आ गए हैं। साथ में ये नेचर का व्यू देखिए, अच्छा है। इस टॉय ट्रेन का जरूर आनंद लें फैमिली के साथ, मज़ा आएगा आपको डेफिनेटली। अब हम लोग जाएंगे थोड़ा खाना खाने के लिए। ये ओपन में ये खाने का फूड कोर्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और सामने ही लेक का व्यू है, अच्छा मेंटेन किया गया है। यहाँ पे ओपन म्यूजिक चल रहा था, तो मेरा बेटू डांस भी करने लगा था, काफ़ी तेज तेज म्यूजिक बज रहा था, तो उसने काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था, हम लोगों ने छोले भटूरे और ये कुछ आइसक्रीम वगैरह खाए, खाना खाया, पाव भाजी, तो अच्छा टेस्ट था। और मेरे को कंपेयर टू बेंगलोर, यहाँ की जो भोपाल की रेटें चीपर थी, और टेस्ट काफ़ी अच्छा था नॉर्थ इंडियन स्टाइल का। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बने रहिए, अभी एक दो ब्लॉग और भोपाल के आएंगे, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।